भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। बीते एक सप्ताह में जहां पूर्वी राजस्थान लू के थपेड़ों से बेहाल हो चुका है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी यही हालात बने हुए हैं। आने वाले वक्त में पारा और चढ़ने और मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने राजस्थान को सन्न कर दिया है। प्रदेश में इस समय दिन का औसत तापमान जहां करीब 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं रात का तापमान भी करीब 25 डिग्री के पार जाने से लोग अब गर्मी के साथ ही उमस से भी परेशान होने लगे हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में हालात जस के तस हैं। बीते एक सप्ताह में प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के प्रचंड प्रकोप के चलते अब प्रदेशवासी बेहाल होने लगे हैं। बीते एक सप्ताह में दिन के तापमान में करीब 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं रात के तापमान में करीब 6 डिग्री तक बढ़ोतरी के साथ रात को कूलर और एसी भी अब फेल होते हुए नजर आते हैं। बीते दिन 44.5 डिग्री के साथ चूरू में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो वहीं 30.2 डिग्री के साथ बीती रात फलौदी में सबसे गर्म रात दर्ज की गयी। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। राजधानी जयपुर में 42 डिग्री के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, तो वहीं 28.3 डिग्री के साथ रात का पारा भी अब सताने वाला पहुंच चुका है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं रात को भी इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 3 दिनों में पूर्वी राजस्थान में जहां भीषण लू के थपेड़ों का प्रकोप रहेगा, तो वहीं इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।